हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस चैनल पर और आज के इस वीडियो में हम लोग जो यूनिवर्सिटी के तरफ से मॉडल सेट जारी हुआ है केमिस्ट्री सब्सिडरी का उसका जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जानेंगे क्वेश्चन नंबर वन से तो ग्रुप ए में जो है फिजिकल रहता है तो यहाँ पर जो है गैसियस स्टेट जो है इससे रिलेटेड ये टॉपिक है हमारा और इससे रिलेटेड हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं तो देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर वन है इसमें बोल रहा है कि द यूनिट ऑफ वंडरवाल्स ए इज ऑप्शन नंबर ए को देखिए बी को देखिए सी को देखिए और डी को देखिए तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह ए नंबर हो जाएगा डी एम का पावर सिक्स ए टी एम मोल का पावर माइनस टू तो क्वेश्चन नंबर वन का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर टू है कि द यूनिट ऑफ वंडरवाल्स कॉन्सटेंट बी इज इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा जो कि डी एम थ्री पर मोल हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वंडरवाल्स कांस्टेंट ए एंड बी ठीक है इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए में है कि बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ऑप्शन नंबर बी है कि बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी है वनली ए डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑप्शन नंबर डी है वनली बी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर तो जो क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर और क्वेश्चन नंबर फोर में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग गैस कैन बी मोस्ट रेडिली लिक्विफाइड यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है एन एस थ्री ऑप्शन नंबर बी है सी एल टू और ऑप्शन नंबर सी है एस ओ टू और ऑप्शन नंबर डी है सी ओ टू तो जो क्वेश्चन नंबर फोर है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर जो कि एस ओ टू होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव और क्वेश्चन नंबर फाइव में बोल रहा है कि ए गैस विल अप्रोच ए गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर एट ऑप्शन नंबर ए है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑप्शन नंबर बी है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ऑप्शन नंबर सी है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ऑप्शन नंबर डी है हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तो जो क्वेश्चन नंबर फाइव है इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह हमारा सी नंबर होगा जो कि हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर सिक्स है और क्वेश्चन नंबर सिक्स में बोल रहा है कि क्रिटिकल वॉल्यूम भी सी इज रिलेटेड विद कांस्टेंट ए एंड बी एज यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट होगा भी सी इक्वल टू थ्री बी क्रिटिकल वॉल्यूम जो भी के नीचे सी लिखा गया है वो क्रिटिकल कोशो कराए तो भी सी मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम होता है तो नेक्स्ट अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ इसमें बोला है कि क्रिटिकल वॉल्यूम यहां पर क्रिटिकल वॉल्यूम लिखा है ठीक है नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में तो क्रिटिकल वॉल्यूम पीसी रिलेटेड विद कांस्टेंट ए एंड बी एज तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वह सी नंबर होगा जो कि पी सी इक्वल टू ए बाई ट्वेंटी सेवन बी स्क्वायर होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एट इसमें बोला है कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्रिटिकल टेम्परेचर टी मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर रिलेटेड विद कांस्टेंट ए एंड बी एज तो क्वेश्चन नंबर जो एट है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा जो कि क्रिटिकल टेम्परेचर इक्वल टू एट ए बाई ट्वेंटी सेवन आर बी होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है कि फॉर वंडरवाल्स गैसेज द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड सी इज तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का वह ए नंबर होगा जो कि जीरो पॉइंट थ्री सेवन फाइव होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टेन और क्वेश्चन नंबर टेन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ट्रू फॉर वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट ए एंड बी वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट जो होता है ए एंड बी उसके लिए कौन जो है इसमें से ट्रू नहीं है मतलब मीन्स सही नहीं है उसको बताना है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वह है कि बोथ डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैसेज ये तो सही है ऑप्शन नंबर बी जो है बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ये जो है गलत है ठीक है अब नेक्स्ट है बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ये भी सही है और नॉन का नॉन तो ये होगा नहीं तो क्वेश्चन नंबर जो टेन है इसमें बोला है कि कौन नॉट ट्रू है तो क्वेश्चन नंबर टेन का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर होगा जो कि बोथ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर जो कि इसमें नॉट ट्रू है वंडरवाल्स जो कांस्टेंट होता है ए एंड बी के लिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन और क्वेश्चन नंबर इलेवन में बोल रहा है कि वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट ए इज रिलेटेड विद जो वंडरवाल्स कांस्टेंट होता है ए वह क्या चीज़ से रिलेटेड है ऑप्शन नंबर ए है फोर्स ऑफ कोहशन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑप्शन नंबर सी है रेडियस ऑफ गैस मोलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर डी है ऑल जो क्वेश्चन नंबर इलेवन है इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि फोर्स ऑफ कोहसन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मोलिक्यूल्स होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू एज वी कंपेयर आइडियल गैस प्रेशर एंड वंडरवाल्स प्रेशर ऑफ गैसेज ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज बी ग्रेटर देन आइडियल ऑप्शन नंबर बी है ऑलवेज बी लेस देन आइडियल ऑप्शन नंबर सी है ऑलवेज बी इक्वल टू आइडियल और ऑप्शन नंबर डी है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द गैस तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है हमारा उसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि ऑलवेज बी ग्रेटर देन आइडियल होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्टीन और क्वेश्चन नंबर थर्टीन में बोला है कि वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट बी मेजर्स वंडरवाल्स कांस्टेंट जो बी है वह क्या चीज़ को मेजर करता है ऑप्शन नंबर ए है फोर्स ऑफ कोहेंसन एग्जिस्टिंग बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स ऑप्शन नंबर बी है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑप्शन नंबर सी है टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स और ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो जो क्वेश्चन नंबर थर्टीन है तो क्वेश्चन नंबर थर्टीन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हमारा बी नंबर हो जाएगा जो कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाएगा अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन की तरफ और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन लेस मतलब बताना है कि इसमें कौन जो है वह डायमेंशन लेस है ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस्ड प्रेशर ऑप्शन नंबर बी है रिड्यूस्ड टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस्ड वॉल्यूम और ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्टीन है इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा जो कि ऑल होगा क्योंकि रिड्यूस्ड प्रेशर और रिड्यूस्ड टेम्परेचर और रिड्यूस्ड वॉल्यूम जो होता है ये तीनों क्या होता है डायमेंशन लेस होता है तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होगा जो कि ऑल होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन जिसमें बोला है कि क्रिटिकल प्रेशर क्रिटिकल वॉल्यूम एंड क्रिटिकल टेम्परेचर आर नोन एज तो ये जो है एवोगाड्रोज कॉन्स्टेंट तो होगा नहीं यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट भी होगा नॉट भी नहीं होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का ए नंबर होगा जो कि क्रिटिकल कांस्टेंट्स होगा अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन जो है इस क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वन मोल ऑफ ए गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर इज नोन एज ऑप्शन नंबर ए है मोलर वॉल्यूम ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिकल वॉल्यूम ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस्ड वॉल्यूम और ऑप्शन नंबर डी है स्टैंडर्ड मोलर वॉल्यूम तो जो क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है इसका करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा जो कि क्रिटिकल वॉल्यूम हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन और क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन में बोला है कि द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस्ड रिड्यूस्ड प्रेशर पी आर इज तो क्वेश्चन नंबर जो सेवनटीन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह बी नंबर होगा पी आर इक्वल टू पी बाई पी सी हो जाएगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एटीन और इसमें बोला है कि द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस्ड प्रेशर पी आर इज तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर एटीन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह ए नंबर होगा भी आर इक्वल टू भी बाई वी सी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन और क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में बोला है द करेक्ट इक्वेशन फॉर रिड्यूस्ड टेम्परेचर तो रिड्यूस्ड टेम्परेचर को टी के द्वारा डिनोट किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर जो नाइनटीन है इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर इक्वल टू टी बाई टी सी नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी की तरफ तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला है कि इफ़ टू डिफरेंट गैसेज आर ईच ऑफ द सेम रिड्यूस्ड के साइज को फाइव फोर ठीक चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी में बोला है कि द इट टू डिफरेंट गैसेज आर इच एट द सेम रिड्यूस्ड प्रेशर एंड रिड्यूस्ड टेम्परेचर दे हैव नियरली सेम रिड्यूस्ड वॉल्यूम्स दिस ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए है लॉ ऑफ कॉरोस्पॉन्डिंग स्टेट्स ऑप्शन नंबर बी है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स ऑप्शन नंबर सी है बॉयल्स लॉ और ऑप्शन नंबर डी है एबो लॉ तो जो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि लॉ ऑफ कॉस्पॉन्डिंग स्टेट्स होगा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन में बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी कौन जो है इसमें डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है उसको बताना है ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस डिप्रेशर ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिकल प्रेशर ऑप्शन नंबर सी है क्रिटिकल वॉल्यूम और ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो क्वेश्चन नंबर जो ट्वेंटी वन है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वह ए नंबर होगा जो कि रिड्यूस्ड प्रेशर होगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आप लोग अब क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी तो बताना है इसमें कौन सा जो है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी है ऑप्शन नंबर ए है रिड्यूस्ड टेम्परेचर ऑप्शन नंबर बी है क्रिटिकल टेम्परेचर ऑप्शन नंबर सी है बॉयल टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी है ऑल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर होगा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री और इसमें बोला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए डायमेंशन लेस क्वान्टिटी इसमें भी वहीं पूछा है कि डायमेंशन लेस जो है क्वान्टिटी को बताना है तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया है रिड्यूस्ड वॉल्यूम ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्रिटिकल वॉल्यूम ऑप्शन नंबर सी में दिया है बॉयल टेम्परेचर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ऑल तो जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है वह जो है डायमेंशन लेस क्वान्टिटी होता है तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का करेक्ट ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा जो कि क्रिटिकल वॉल्यूम होगा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर है कि द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑप्शन नंबर ए है टोटल ऑप्शन नंबर बी है हाफ ऑप्शन नंबर सी है रिड्यूस्ड और ऑप्शन नंबर डी है इंटरनल तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होना चाहिए जो कि टोटल होना चाहिए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का फाइनली करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि टोटल होगा और इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है जो हमारा टॉपिक है गैसियस स्टेट तो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ वंडरवाल्स कांस्टेंट ए इज़ ग्रेटर इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए है कि द गैस लिक्विफाइड इजीली ऑप्शन नंबर जो बी है वह है कि द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड इजीली और ऑप्शन नंबर सी है द गैस इज़ नॉट लिक्विफाइड और ऑप्शन नंबर डी है कि देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एंड वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट ए तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव का करेक्ट ऑप्शन ए नंबर होगा जो कि द गैस लिक्विफाइड ईजिली होगा तो फाइनली इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन नंबर मॉडल पेपर जो जारी हुआ है यूनिवर्सिटी के तरफ से उसका जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर वन से लेकर के ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन तक जान गए तो केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट वन का जो है ट्वेंटी फाइव नंबर तक जान गए और उसके आगे का जो टॉपिक है सोलिड स्टेट जो कि जो है अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ठीक है एंड अगला जो वीडियो होगा उसका मैं लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आ, वहां से जा करके के आप लोग जो है जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के वीडियो जो है केमिस्ट्री सब्सिडी पार्ट वन का आप लोग देख सकते हैं तो इस वीडियो में आ, बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फिर मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में